हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है ओसी में चैप्टर नंबर 3, दैट इज रिगार्डिंग प्लानिंग। थोड़ा सा पार्ट बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 32। टाइप्स ऑफ प्लानिंग से हमें कंटिन्यू करना है। देखें, सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान? इसमें आपको खड़े नहीं रहना है, ऐसा कुछ नहीं, आप बैठ के भी पढ़ सकते हो। स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट गाइडलाइन फॉर डिसीजंस इन रिपीटेटिव सिचुएशंस, हेंस स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। ऐसा बोल रहे हैं, वो सिचुएशंस जो बिजनेस में बार बार आती हैं, उनके लिए एक बार आप प्लान बना दो और उसी प्लान को बार बार यूज करो, ठीक है ना। फिर हर बार थोड़ी ना नया प्लान बनाने बैठेंगे, जब पता है कि ऐसी सिचुएशन साइक्लिक है, हर 2 महीने में, हर सीजन में यही होता है, तो फिर बेटर है ना कि आप एक रेडीमेड प्लान जो आपने एक बार बना लिया है उसको बार बार यूज करो, ठीक है। ये है, व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड अ स्टैंडर्ड पॉलिसी आर डिसाइडेड फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन, इट इज नोन एज स्टैंडिंग प्लान। ऐसा बहुत जगह हो सकता है, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर ऑफ कस्टमर्स और इफ क्रेडिट पॉलिसी इज डिसाइडेड बिफोर हैंड ऑन परमानेंट बेसिस, इट विल हेल्प द एम्प्लॉयज टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस। नो एम्प्लॉय विल नीड द परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम। चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, थोड़ा ईजी हो जाएगा। कार शोरूम है, ऑटोमोबाइल डीलरशिप, टू व्हीलर का शोरूम है। आप जब खरीदने जाते हो ना गाड़ी, तो ये भी एक बार्गेनिंग का गेम है। गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए, जो एक ना आपको एक पेज पे सब प्राइसेस लिखे होते हैं वेरिएंट वाइज, ये भाई मारुति स्विफ्ट है, LXi, VXi, ZXi पेट्रोल, ZXi प्लस, फिर डीजल, तो भाई LDi, VDi, ZDi, ZDi प्लस, टॉप मॉडल, ऐसे होता है। तो सबका प्राइस लिखा होता है उसमें, एक शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस, RTO का टैक्स, ये वो SMC का टैक्स, ऐसे करके टोटल प्राइस लिखा होता है, एसेसरीज, ये सब, तो ऐसे सब करके वो प्राइस लिखते हैं। अब क्या होता है उसमें, फिर डिस्काउंट भी लिखा होता है कि भाई अभी डीलर डिस्काउंट इतना हम दे रहे हैं, वो सामने से लिख देते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप डिस्काउंट तो मांगोगे, बट आप भी कम नहीं हो, आप उसके बाद भी डिस्काउंट मांगोगे। अच्छा, वो भी उनको पता है, सपोज 10 लाख की गाड़ी है, उन्होंने डिस्काउंट काट के लिखा है 9,80,000। अब उनको मालूम है कि आप 980 पे भी मानने वाले थोड़ी हो, भाई ये तो आपने लिखा है और डिस्काउंट करो ना, हमने थोड़ी मांगा, ऐसे भी कस्टमर बोलते हैं। तो इनका जो सेल्स स्टाफ होता है, उनके पास एक पावर होती है एक लिमिट तक कि वो आपकी बार्गेनिंग को कंसिडर कर सकते। मैनेजर ने उनको मीटिंग में पहले ही बोल दिया होता है कि देख भाई, ये गाड़ी 9.5 लाख रुपए से नीचे अगर बेची तो जितना नुकसान जाएगा तू तेरी सैलरी में से देना, तेरा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब तुझे कस्टमर को कन्विंस करना है कि भाई 950 से नीचे उसको मत आने दे, और आए तो तू पटा उसको कि 950 के ऊपर मान जाए। अब जब 980 लिखा है, कस्टमर तो बोलता है 9 लाख। अच्छा, वो ऐसे पूछता है आप कितना डिस्काउंट करोगे और बताओ। फिर आप सेल्समैन घुमाता है, बोले सर देखो 975 कर देता हूँ और मैं आपको साथ में ये फ्री दे दूंगा। वो वैसे भी फ्री देने वाला होता है, लेकिन वो आपको ऐसा बोलता है। अब जब वो खाली 5,000 की बात करता है ना, तो आप सीधा 1 लाख रुपये डिस्काउंट नहीं मांग पाते हो, वो आपको रोक देता है साइकोलॉजिकली। क्योंकि आप ही सोचो, कोई 5,000 रुपये कम करने की बात कर रहा है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते 50,000 कम कर दे, लेकिन कस्टमर तो कस्टमर है, वो आप जैसे ही 975 बोलते हो ना, वो 950 बोलता है। पर कस्टमर की बात आप डायरेक्टली मानोगे नहीं, फिर आप भी 975 से 970 पे आते हो, क्यों 50 पे जाओगे? क्योंकि जितना नीचे जाओगे ना, इंसेंटिव कम हो जाएगा। तो पहले से मैनेजर ने आपको एक रेंज बता रखी है कि 950 तक तो तू टेंशन लिए बिना हाँ बोल सकता है, फिर भी तू जितना ज़्यादा कमा के दे सके, तो 970, 965। फिर आप कस्टमर को आप बोलते हो सर आप 15,000 कम कर दिया, 20 ऑलरेडी था, इतना तो हमारा मार्जिन नहीं होता, ये वो समझो ऐसा वैसा, चलो अब डन करो, तो 965 या कुछ भी आंकड़ा बिठा के आप डन कर देते हो, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये उनको मालूम है कि हर कस्टमर हर गाड़ी पे डिस्काउंट ऐसे मांगेगा, तो ये लोग क्या करते हैं पता है, हर गाड़ी पे इस तरीके से पहले मीटिंग्स में डिस्कशन हो जाती है कि इस गाड़ी पे इतना डिस्काउंट देना है, उस गाड़ी पे उतना। तो वो उनके दिमाग में, वो आपको बताएंगे नहीं कि मैं इस पे मिनिमम इतना कर सकता हूँ, वो आपको बताएंगे कि इस पे इतना ही रहेगा, तो वो वैसे तो और भी कर सकता है। अब कितने कस्टमर क्या होते हैं, 980 है, चलो ठीक है 980 आपने बोला हम दे देंगे, तो वो सामने से बोलेगा अरे नहीं सर थोड़ा तो बार्गेन करो यार, ऐसे कैसे चलेगा, 5,000, 10,000, 20,000, यहाँ तो लोग लाख लाख रुपए बार्गेन करते हैं, आप तो बार्गेन नहीं कर रहे, भाई मेरे को भी तो डील करना है ना आपके साथ, थोड़ा बार्गेनिंग करो तो मुझे मज़ा आएगा, ऐसा बोलोगे क्या सामने से, बेवकूफ थोड़ी हो, ले रहा है 980 पे लेने दो ना यार, ये तो बेस्ट है, अपने को इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा कस्टमर आए तो उसको छेड़ने का नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लान। बिजनेस यूनिट्स डिसाइड्स द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब एक थॉट प्रोसेस, एक थिंकिंग, एक ट्रेंड जो बरसों से कंपनी में चला आ रहा है, ठीक है।
तो वो जो चीजें होती है उसकी बात हो रही है। फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज आर डिसाइडेड बिजनेस यूनिट डिसाइड्स इट्स प्लान आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक। वो तो होता ही है ना, हर कंपनी की अपनी एक सोच होती है कि हम एथिकल काम करेंगे, हम अच्छी क्वालिटी देंगे, हम लोगों की हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मार्केट में हमारी गुडविल कभी खराब नहीं करेंगे, ऐसा सब होता है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक स्कीम, एक पॉलिसी डिसाइड करना, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। लॉन्ग टर्म में हमें क्या अचीव करना है उस तरीके से, और उसके लिए पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ्स जान लेनी चाहिए, अपनी वीकनेसेस समझ लेनी चाहिए, फिर डिसीजंस लेने चाहिए। फोरसाइटेडनेस एंड एक्सपीरियंस आर एसेंशियल। ऐसा सब करने के लिए दूर की सोच, अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान आर सीन इन लॉन्ग टर्म। वो तो होता ही है ना, आपने सोच समझ के प्लानिंग की होती है तो लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट दिखता है। कंसिस्टेंट डिसीजंस आर टू बी टेकन फॉर दीज प्लान्स, इट मीन्स स्कोप ऑफ डिसीजंस इज इम्पॉर्टेंट इन दिस प्लान। ठीक है, टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल में क्या है, फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाई मिडिल लेवल मैनेजर्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स मतलब छोटी छोटी ड्यूरेशन, अगले 15 दिन में क्या करना है, अगले 1 महीने में क्या करना है, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है, क्योंकि इसमें दूर की नहीं सोचनी है। जैसे प्रोडक्शन टारगेट अचीव करना है, सेल्स टारगेट अचीव करना है, मार्केटिंग करनी है, लोगों तक गुड्स पहुंचाना है एंड ऑल दैट। ठीक है, दीज आर द प्लान्स विच यूजुअली स्पैन 1 ईयर और लेस। ड्यूरेशन क्लियर कर दी, ऑब्जेक्टिव में आएगा मार्क कर लो। दीज प्लान्स क्लैरिफाई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, हेंस बिजनेस एक्टिविटीज रिमेन गोल ओरिएंटेड एंड टेक प्लेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ऑब्वियसली इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट द डिपार्टमेंटल हेड्स एंड एम्प्लॉइज मस्ट डू। मतलब हर एक डिपार्टमेंट, पता है डिपार्टमेंट्स की बात की थी मिडल लेवल टॉप लेवल वाले में, तो हर एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये वो, हर डिपार्टमेंट के हेड को क्या दिमाग लगाना चाहिए वो यहाँ पे कवर होता है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ दीज प्लान्स। वो तो स्किल और नॉलेज तो हर जगह चाहिए, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान आर द स्पेसिफिक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स। मतलब ऑपरेशनल प्लान मतलब एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन। जैसे प्रोडक्शन इज अ बिजनेस ऑपरेशन, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, सेल्स इज अ बिजनेस ऑपरेशन, मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑपरेशन। तो इसके लिए भी तो प्लान बनाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट कैसे बनानी है, लॉजिस्टिक्स को कैसे मैनेज करना है, कस्टमर के घर तक ई कॉमर्स वालों को गुड्स कैसे पहुंचाना है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्टिकल प्लान के जैसा ही है, वो भी खुद भी यहाँ पे वही चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान जो है वो वन टाइम है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने प्लान बनाया, बट जरूरी नहीं है कि वो प्लान आपको बार बार हर जगह काम आए, दैट डिपेंड्स। जैसे कोई शिप बनानी, एग्जाम्पल दिया शिप मेकिंग, तो शिप एक जैसी, सारी शिप एक जैसी थोड़ी बनेगी, तो हर शिप का प्लानिंग जो है वो अलग होगा। कंस्ट्रक्शन में हर घर का कंस्ट्रक्शन एक जैसा नहीं होगा, प्रीमाइसिस का जो लुक है, इंटीरियर है, आर्किटेक्चर डिफर करेगा, सबके लिए अलग प्लान। कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी मतलब अनसर्टेनिटी, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, तो कंटिंजेंसी के लिए क्या प्लान है आपके पास, इमरजेंसी के लिए क्या प्लान है, वो आपको समझना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर के लास्ट ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब ये थोड़ा रिपीट लग रहा है मुझे। ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर चुके हैं, स्ट्रेटेजी की हम बात कर चुके हैं, पॉलिसीज की हम बात कर चुके हैं, प्रोसीजर्स के बारे में हमने पूरा आंसर देखा पीछे, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कंपनी में। जैसे यहाँ बोला है यूज ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज प्रोहिबिटेड। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी में एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट रखें, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो स्टाफ है आजकल जो मोबाइल डेटा और सोशल नेटवर्क पे लगा हुआ है, तो वो दिन का जो 10 घंटे का उसका जॉब है ना, अगर उसको आप कुछ ना बोलो तो वो 2 से 3 घंटा मोबाइल में निकाल देता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी चेक करने में, ठीक है, और ऑफिस में अपनी स्टोरी डालने में। ठीक है, वो ऑफिस में लैपटॉप कंप्यूटर का फोटो खींच के, चाय रख के, स्नैप डाल के, फिल्टर करते हुए यही करता रहेगा वो, तो काम कब करेगा? उसको पैसे काम करने के मिल रहे हैं या 2 घंटे इंस्टाग्राम पर टाइम पास करने के? तो ये वो चीज़ है, रूल्स रेगुलेशंस नेसेसरी है। बजटिंग। बजटिंग के ऊपर बात हुई है, हर चीज़ का एक बजट होता है, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है। बजट मतलब कितना खर्चा हम कर सकते हैं, उस खर्चे की एक लिमिट तय करना, लिमिट डिसाइड करना। ठीक है, इसके बाद है प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम मतलब आज क्या प्रोग्राम है,
आपको कोई पूछ ले आप क्या बोलते हो, आपका तो प्रोग्राम का कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल है आपके घर में, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके फादर को आप पूछोगे क्या प्रोग्राम है आज का सपोज, तो बोलेंगे भाई सुबह इतने बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा, वॉक करने जाऊंगा, आते आते सब्जियां लेके आऊंगा, दूध लेके आऊंगा, घर का कुछ सामान लेना है तो वो ले आऊंगा, फिर नाश्ता करूंगा, रेडी होऊंगा, ऑफिस जाऊंगा 10:30 बजे, फिर मेरी ये मीटिंग है इतने बजे, मेरी वो मीटिंग है उतने बजे, मुझे ये काम के लिए जाना है, वो काम के लिए जाना है, शाम को इतने बजे घर आना है, एक प्लानिंग होती है दिमाग में, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, कि भाई शुरू से लेके एंड तक हम स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है पूरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, दैट इज प्लानिंग। तो इसके साथ हमारे 3 चैप्टर्स पहले खत्म हो चुके हैं, नेक्स्ट जो भी है अब ऑर्गेनाइजिंग की बात होने वाली है, एंड दैट इज ऑल्सो डिटेल्ड चैप्टर बट वेरी इजी, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ऐसा कुछ बोरिंग नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और जितना आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली लोगे उतना आपको समझने में आसानी होगी, तो रट्टा मारने कोई ज़रूरत नहीं है, बी प्रैक्टिकल, उन चीज़ों को विजुअलाइज करो, थोड़ा इमेजिन करो, आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।